नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं हूं अमन राजपूत। तो वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां फरुखाबाद के मदंता गांव में चूल्हे से निकली चिंगारी, जी बिल्कुल, खाना बनाते समय चूल्हे की निकली चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद जिस घर में खाना बन रहा था उस घर का आग की लपेट में आने से उस घर के सारे सामान को चूल्हे की आग ने तहस नहस कर दिया, जलाकर खाक कर दिया। देखिए रिपोर्ट। फरुखाबाद के गांव मंदाता में खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आखिरकार ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फरुखाबाद के गांव मंदाता में खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आखिरकार ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू। वहीं कासगंज में घर के कमरे में एक युवक के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कासगंज में घर के कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने युवक के दोस्तों पर उसकी हत्या का इल्जाम लगाया है। परिजनों का कहना है कि दोस्तों ने उनके बेटे को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया और फिर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट चुकी है। क्या नाम है आपका? बीरेन सिंह यादव। बीरेन सिंह, आपके बच्चे की मौत का मामला प्रकाश में है, क्या है पूरा मामला? कल रात को दिवाली का त्यौहार था, अच्छे खासे पटाखे चलाए बच्चों ने। शाम को दो लड़के उसको छोड़ के चले गए, जिसमें से एक को पहचानता था। उसके बाद वो सो गया। रात के 3 बजे तक उसकी वाचिंग करी हमने। उसका सुबह मृत पाया गया, उसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। उसे जहर या कुछ वैसी चीज दी गई है। एक लड़के को मैं पहचानता हूँ। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस के सामने हमने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने पीएम के लिए बोला था, उसके बाद कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि आपके बच्चे की हत्या की गई? बिल्कुल 100%। और वहीं मुरादाबाद के रामपुर टोल प्लाजा के पास एक बस अनियंत्रित होकर बस ने टोल प्लाजा के ऑफिस को तोड़ दिया और टोल प्लाजा के ऑफिस में घुस गई, जिसके बाद पूरा टोल प्लाजा का ऑफिस टूट चुका है। आपको बता दूं, इस घटना में फिलहाल किसी की मौत की खबर तो नहीं आई है, फिलहाल सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे रामपुर हाईवे टोल प्लाजा पर ब्रेक फेल होने की वजह से तेज रफ्तार बस रेलिंग तोड़ते हुए टोल प्लाजा ऑफिस के अंदर जा घुसी। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस चालक की सूझबूझ की वजह से 90 यात्री सुरक्षित बस से निकाल लिए गए और एक बड़ा हादसा टल गया। सर, ब्रेक फेल हो गया जी, और कंट्रोल करते रह गए और आगे भी गाड़ी थे जी, वो इधर से कट मार के जी सीधा इधर मार दिया जी, फिर जाके ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो गया जी। कितने लोगों को बस में लगो? 90 बंदे थे। नहीं, कितने बंदे थे इसके अंदर बस के? 90। किसी को चोट? चोट फोट किसी को कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा, बचाव हो गया सर। किस टाइम की घटना हुई? 4:30 बजे के करीब रात जी। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे जैसे ब्रेक फेल हो गए थे जी, यहाँ से गाड़ी टर्निंग करने की कोशिश इधर किया ना, यहाँ एक मारुति खड़े थे जी, दो तो सीधा अंदर बांध दिया। अच्छा, तो आदमी नुकसान कुछ नहीं हुआ, बचाव सबको। अच्छा, ड्राइवर की सूझबूझ अच्छी थी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितने लोग थे बस में? उसमें करीब 100 से ऊपर लोग। 100 से ऊपर। किसी चोट तो नहीं लगी है? नहीं, चोट चाट किसी को नहीं लगी। टोल के अंदर घुस गई बस? हाँ जी। हाँ ठीक है सर। वहीं मुरादाबाद के आरव नर्सिंग होम से एक बच्चे की डिलीवरी के समय मौत का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने डिलीवरी के समय सर्जन को नहीं बुलाया था, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरक्की थाना क्षेत्र में गुल्लर स्थित अस्पताल आरव नर्सिंग होम में डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि मुड़िया भीकम की रहने वाली महिला को आरव नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला के पिता ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि इनकी बेटी का ऑपरेशन बिना सर्जन के किया गया है, जिसकी वजह से डिलीवरी करते समय बच्चे की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मतलब लड़की को यहाँ लेके आए, इन्होंने ऑपरेशन मतलब कर दिया इन्होंने। हम कह रहे हैं मतलब जो है डॉक्टर बुलाया, इन्होंने कोई डॉक्टर ना बुलाया, इन्होंने खुद ही ऑपरेशन कर दिया और फिर वो बच्चा जो है लड़का हुआ,
लड़का होने के बाद फिर जो इन्होंने यहाँ ला के उसकी कमर पमर मली और पुलिस से जो है ट्रीटमेंट नहीं मिला उसे जो मतलब कहीं भेज दो इसे इलाज उलाज कितना ही बढ़िया तो कोई टाइम उनका कुछ हुआ नहीं। और वहीं मुरादाबाद में सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके साथ दो चोरी की मोटरसाइकिल, पर्स और साथ में कैश गिरफ्तार किया है, बरामद किया है। मुरादाबाद में सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां विवेकानंद तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने दो व्यक्तियों पर शक होने पर उनका पीछा किया, जिसके बाद अगवानपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गोपाल सिंह की मदद से अभियुक्त रोहित कुमार छजलेट बबलू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन और कैश भी बरामद किया है। त्योहारों के मद्देनजर और अपराध की रोकथाम के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा चलाए गए सघन चेकिंग के अभियान में, जिसमें जो लूट की घटनाएं हैं चल के रोकथाम के लिए चलाया जा रहा था, उसमें थाना पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए एक जो मोबाइल स्नैचर गैंग को गिरफ्तार किया है, जो कि मोटरसाइकिल पर चलते हुए लोगों से मोबाइल स्नैचिंग की घटना पारित किया करते थे। इसमें चार लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम हैं रोहित कुमार पुत्र सोनवीर निवासी खानपुर मुजफ्फरपुर थाना छजलैट, दूसरा है बबलू पुत्र बाबू खां निवासी ग्राम सिंधलीपुर थाना छजलैट, अर्शद पुत्र सखावत अली ग्राम सिंधलीपुर थाना छजलैट, और चौथा व्यक्ति है नरेश पुष्प गोविंदा पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम मानपुर छजलेट। ये इनके पास से दो मोबाइल बरामद हुए हैं, जो इन्होंने बताया है कि जो आशियाना चौकी के पास एक लड़की से छीना, और उसके अलावा आगे एक लड़का जो अगवानपुर की तरफ जा रहा था उससे उन्होंने मोबाइल स्नैचिंग की घटना की थी, तो दो मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक घटना पीली कोठी के पास पूर्व में मोबाइल छीनने की घटना स्वीकार की है, जिसको इसने बेचना बताया है, और इसके अलावा एक घटना इन्होंने गलशहीद क्षेत्र में मिगलानी थिएटर के पास से मोबाइल लूटना स्वीकार किया है। इनके पास से दो मोटरसाइकिलें, एक पल्सर जिससे ये घटना किया करते थे, तथा दूसरी एक होंडा हीरो होंडा HF डिलक्स, ये दोनों के दोनों मोटरसाइकिलें ये घटना में इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा दो मोबाइल, एक रियलमी का और एक टेक्नो BBK 4K मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा 10,000 रुपये बरामद किए हैं, जो इन्होंने मोबाइल को बेच के कमाए थे। इनमें जो प्रमुख इनका गैंग लीडर था, ये रोहित है, और इसने ये बताया है कि ये पहले दिल्ली में सरोजनी में यहाँ पे अकाउंटेंट का काम किया करता था, और जब वहाँ पे यहाँ पे अपने पिताजी की मदद करने के लिए जो किसान है यहाँ पे आ गया था, और लॉकडाउन के दौरान ये अपने जो चार साथी हैं इनके साथ मिलके इसने ये मोबाइल लूटने की घटना कारित की। ये घटना इसने अपने शराब और नशे के शौक पूरे करने के लिए इन लोगों ने घटना कारित की है। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इनका पूर्व कोई आपराधिक इतिहास अभी निकलते नहीं आया है, यही इनकी पर इन्होंने जो इसके संबंध में दो पूर्व में मुकदमे लिखे गए हैं, इनकी घटनाएं स्वीकार की है। ये इसके अलावा ये दो घटनाएं अभी रिसेंट की जो इन्होंने अगवानपुर और वहीं रुद्रप्रयाग में बीती रात से काफी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण पूरी केदार घाटी बर्फ की चादर में लिपट चुकी है। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में जोरदार बर्फबारी हो रही है, जिससे 11,500 फीट की ऊंचाई पर बना विश्व प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर पूरी केदार वैदिक मंत्रोच्चारों की ध्वनि से भक्तिमय बनी हुई है। आज सुबह से ही केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में भारी ठंड बढ़ गई है। बता दें कि उत्तराखंड और यूपी के मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। बर्फबारी के बीच योगी आदित्यनाथ केदारपुरी का भ्रमण कर वहीं केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के केदारनाथ में मौजूद है। आपको बता दूं, बीती रात केदारनाथ में हुई भारी बारिश के कारण पूरी केदार घाटी बर्फ की चादर में लिपट चुकी है। वहीं शाम को एक आर्मी बैंड का कार्यक्रम आयोजन हुआ था, जिसमें CM त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। देखिए रिपोर्ट।
कपाट बंद होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। इस दौरान कल रात केदारनाथ धाम में आर्मी की बैंड की धुन सुनकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। सीएम रावत आर्मी की धुन पर दोनों हाथों से ताली बजाते हुए थिरकते नजर आए। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 4:15 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है, इसलिए 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है। सचमुच मौसम बहुत सुहावना है, अच्छा है। हम लोग भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ की गोद में। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। सचमुच हमारे आस्था के केंद्र हमारे मान बिंदु किस रूप में होने चाहिए। मैं कल सायंकाल 4 बजे यहाँ पहुँच गया था, 4 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक हम लोग एक एक जगह का अवलोकन किए हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ही 4:15 बजे से ही हम लोग आरती में भाग लेकर, पहले जलाभिषेक का कार्यक्रम, फिर आरती के कार्यक्रम में भाग लेकर, फिर कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के सारे कार्य हमने को हर कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मैं अभिनंदन करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और एक सफलतम कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को वैसे बधाई दूंगा। केदारनाथ पुरी को उसका जो गौरव, जो सम्मान दिलाने का कार्य इस सरकार ने किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। अभी हम यहाँ पर हैं, मौसम जब ठीक होगा तो इसके बाद फिर यहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन यहाँ करके कई वर्षों के बाद मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ के हर प्रकार के प्रकृति के रंग को भी, रूप को भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की पूजा में भी बहुत सारी ऐसी अनुभूति हम लोगों को देखने को मिली है जो अवर्णनीय है। और मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालु जनों की श्रद्धा को सम्मान देने वाला भी है। लेकिन मैं यहाँ आकर प्रकृति की गोद में आकर के और आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ और प्रकृति के इस मनोहर दृश्य को देख करके
हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबरें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। धन्यवाद।